लास्ट कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि कैसे आप सिर्फ अपने फोन से प्रोफेशनली अपने गेम प्ले को किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम कर सकते हो पर उस वीडियो को देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि इसी चीज को अपने पीसी पर कैसे करे यानी पीसी पर प्रोफेशनली वीडियो गेम्स को कैसे स्ट्रीम करे तो देखो फोन हो या पीसी लाइव गेम प्ले स्ट्रीमिंग के लिए मेरे ख्याल से जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है प्रिजम लाइव स्टूडियो क्यूँकी एक लौता इस पर ऐसे बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है जो एक प्रोफेशनल गेम के लिए चाहिए होता है इवन अगर मान लो कि आपके पास एक गेमिंग पीसी अवेलेबल है मैं यहाँ पर डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ, पर उस पर वेबकैम नहीं है तो आप फेस कैम के साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं कर पा रहे हो तो इसी का भी जुगाड़ आप प्रिज्म लाइव स्टूडियो के साथ कर सकते हो एंड सबसे बड़ी बात की ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है वेल well, क्या-क्या है वो फीचर्स एंड कैसे-कैसे सेटअप वगैरह करना है इस वीडियो पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा सो हेलो फ्रेंड्स मैं हूं का शरबदी टेक्निकल्स का YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को लाइक कर देना अच्छा लग सो so, जैसे कि आप देख सकते हो कि प्रीजम लाइव स्टूडियो का जो इंटरफेस है वो देखने में कुछ ऐसा है आप जैसे विजिट करोगे तो फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे डाउनलोड नाउ का एक बटन है जो कि 64 बिट वाले पीसी पर बहुत अच्छा खासा ये काम करेगा रन करेगा अच्छे से सो पे टैप करने से ये यह ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा एज यू कैन सी वेल well, डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लो इंस्टॉल करने के बाद ना आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप चाहो तो फेसबुक से भी लॉग कर पाओगे उसके बाद गूगल अकाउंट से उसके बाद ट्विच है अगर आपके पास तो फिर उसके बाद नैबर का अगर अकाउंट है तो फिर आप उससे भी कर सकते हो लाइन है ट्विटर है उसके बाद वेल स्पेस फिलहाल मैं अपने गूगल अकाउंट से यहाँ पे लॉग कर लेता हूँ यस लॉग अभी सक्सेसफुल हो चुका है एज यू कैन सी और आप इसका इंटरफेस देख सकते हो अभी तो पहला स्टेप तो यहाँ पे कम्प्लीट हो गया अभी नेक्स्ट स्टेप है इसको सेटअप करना अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना आपको दो टैब्स दिख रहा है तो हमें ना इन दोनों को एक करना है इस पे टैप करके इस ऑप्शन पे टैप करके See, कि अभी ये एक हो चुका है अब ये तो हो गया अभी हमको यहाँ पे सेटिंग्स को मिलाना है तो यहाँ से आप सेटिंग्स को ओपन कर लेना well, सबसे पहले यहाँ पे जो जनरल वाला ऑप्शन है उस पर यहाँ पे ना एक टिक मार्क दिया हुआ है अनेबल वाटरमार्क, आप इसको टर्न ऑफ कर दो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके बाद अप्लाई कर दो नहीं तो वॉटरमार्क आ जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए उसके बाद आप यहाँ पे आउटपुट पे टैप कर दो टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि आउटपुट रेजोल्यूशन को आप यहाँ पे सेट कर पाओगे अपने इंटरनेट के ऊपर बेस करके आपका जो इंटरनेट का स्पीड है वो कितना फास्ट है या फिर कितना जो भी है कॉमन एफ वैल्यू को मैं यहाँ पे सिक्सटी एफ पे कर देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पर ना आउटपुट मोड जो है उसको आप यहाँ पे एडवांस क्लिक कर देना अभी एडवांस पे क्लिक करके स्ट्रीमिंग पर जाके सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको मिलता है एन कोडर तो अभी ध्यान से सुन लो कि अगर आपका एनवीडिया का ग्राफिक्स है तो फिर आप यहाँ पे टैप करके एनवीडिया को आप सिलेक्ट कर सकते हो और अगर नहीं है तो फिर आप इस वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हो बाकी आपके और रेट कंट्रोल आपको यहाँ पे सीबीआर ही रखना है और यहाँ पे जो बीट रेट है उसको आपके इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंग सेट करना है आप बढ़ा सकते हो घटा हो जो भी आपकी मर्जी वेल well, बाकी सेटिंग्स को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना डिरेक्टिव well, बढ़ते हैं विजुअल सेटिंग्स के ऊपर जो कि आपके लाइफ स्ट्रीमिंग के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो so, आप देख सकते हो कि सबसे पहले है बेस रेजोल्यूशन या आपके पीसी का जो रेजोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग सेट होगा फिलहाल मेरा है टेन सो so मैं इसी को रखता हूँ अब आउटपुट जो की लोगों को दिखने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट रेजो्यूशन अवेलेबल है ये भी आपको अपना जो इंटरनेट स्पीड है उसके अकॉर्डिंग सेट करना है सो मैं यहाँ पे सेवन को पी कर लेता हूँ फिलहाल वैल एक बात बताना भूल गया कि आपको ना आउटपुट

सीन्स uh, करके यहाँ पे आप जितना चाहो उतना सीन्स को ऐड कर पाओगे और उन सीन्स पे आप अपना जो इंट्रो है आउट्रो है या फिर जो भी आप लगाना चाहते हो उनको आप यहाँ पे सेट कर पाओगे और सीन्स आपको ऐसे ब्लैक बॉक्स पर ही दिखाई देगा वेल well, आपको सीन्स को ऐड करने के लिए प्लस आइकन पर टैप करना है उसके बाद अपना जो सीन का नाम है उसको आप सेट कर दो लाइक स्काई ही लिख देते हैं हो गया आपका सीन यहाँ पे एक रेडी है तो भी मान लो कि हमें एक इंट्रो को ऐड करना है तो फिर यहाँ पे तो सीन अवेलेबल है तो आपके पास जो इंट्रो बड़ा है अपने पीसी पे उसको ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे सोर्सेज वाले बॉक्स पे जाना है उस पे जाने के बाद इस प्लस आइकन पे करना है टैप टैप करने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो एंड म्यूजिक करके एक ऑप्शन दिखाई देगा इस पे टैप करो टैप करने के बाद यहाँ पे ओके पे कर दो टैप देन क्रिएट न्यू है इस पे आप अपना जो वीडियो या फिर जो फाइल का नाम है उसको आप सेट कर पाओगे लाइक मैं यहाँ पे इंट्रो लिख देता हूँ फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ब्राउज पर टैप करना है जैसे कि आपका जो लोकल फाइल है वो टर्न ऑन हो जाएगा या फिर ओपन हो जाएगा आप कह सकते हो और जहाँ पे आपका इंट्रो पड़ा है उसको आप यहाँ से ब्राउज कर लो ब्राउज करने के बाद ओपन पे कर दो टैप एज यू कैन सी कि यहाँ पे आपका इंट्रो चालू है इस इंट्रो का आप स्पीड घटा सकते हो बढ़ा सकते हो आपकी मर्जी फिलहाल हंड्रेड ही रखते हैं अब ये ओके पे कर दो टैप और उससे पहले मैं बोल दूं कि आप चाहो तो इस इंट्रो को ना लूप में भी चला सकते हो उसके बाद मान लो कि आपका स्ट्रीम एंड हो जाता है तो फिर आप एज़ अ प्लेबैक इसको एंड स्क्रीन की तरह भी यूज़ कर पाओगे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो बाकी मैं इसको लूप में चलाने वाला हूँ फिलहाल अभी इसको आप अपने फ्रेम पर सेट कर लो इसे खींच के हो गया आपका इंट्रो रेडी आप इसको ऐसे करके चला के देखो आप देख सकते हो कि अभी ये इंट्रो चल रहा है और आप देख सकते हो कि पहले ये ब्लैक था ना अभी यहाँ पे इंट्रो चल रहा है और सेकंड सीन जहाँ पे अपना जो गेम है उसको चलाना है तो उसको सिलेक्ट करके उसके बाद फिर से सोर्सेस पे जाओ वहां पर जाके हमें मोनिटर कैप्चर पे करना है टैप देन ओके पे कर दो टैप उसके बाद अपना जो मोनिटर है उसको अगर आप कोई नाम देना चाहते हो तो फिर दे सकते हो बाकी इसी को रख देते हैं उसके बाद ओके पे कर दो टैप देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे शो कर रहा है बाकी बहुत सारे सेटिंग्स है फिल्टर्स अगर आपको लगाना है तो फिर आप लगा सकते हो सब कुछ कम्प्लीट हो जाने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्क्रीन पर है वही यहाँ पे शो कर रहा है यहाँ पे इसके बाद ओके पे कर दो टैप देन या आपको जो दिखाना है वो आप यहाँ से दिखा सकते हो एकदम से लाइव तो हमारा सीन वन एंड सीन टू अभी रेडी हो गया है अभी आप चाहो तो इस मॉनिटर पर ना आप कुछ भी डाल सकते हो आप चाहो तो यहाँ पे अपना जो इंस्टा हैंडल है उसको लगा सकते हो या फिर कोई सा स्टिकर्स हो गया उनको आप ऐड कर पाओगे और उनको ऐड करने के लिए आप यहाँ पे प्लस आइकन पे कर दो टैप फिर जाके आप यहाँ पे टेक्स टैम्पलेट जो है ना इस पे टैप कर दो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोअर थर्ड आपको शो कर रहा है उसके बाद अगर आपको प्रिजम चैट चालू करना है तो फिर ये भी आप ऐसे करके चालू कर सकते हो स्टीकर अवेलेबल बहुत सारे बाकी मैं यहाँ पे अभी एज एन एग्जाम्पल टेक्स्ट टेम्पलेट पे टाइप करके दिखाता हूँ आपको वेल well, आप चाहो तो अपना जो लोअर थर्ड है उनको यहाँ से जनरेट कर पाओगे एनिमेटेड है आप देख सकते हो उसके बाद सोशल पे जाके जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल एक चीज़ है उस पर आप अपने जितने भी सोशल हैंडल्स हैं उनको आप यहाँ से जनरेट कर पाओगे लाइक इंस्टाग्राम है फेसबुक है उसके बाद प्रिजम लाइफ का भी है पर्सनल उसके बाद यूट्यूब का भी है ट्विच का है लाइक ये रहा वो इंस्टाग्राम का और यहाँ से आप इसको कस्टमाइज़ कर पाओगे लाइक ये मेरा इंस्टा हैंडल हो गया अभी आपको किधर प्लेस करना है आप प्लेस कर सकते हो ये चलता रहेगा आप इसको बड़ा कर सकते हो छोटा कर सकते हो अभी आपको ना एक इशू फेस करना पड़ सकता है कि अगर आप इसको सिलेक्ट करने जाओगे या फिर छोटा बड़ा करने के लिए तो फिर शायद पीछे वाला जो टेम्पलेट है वो सिलेक्ट हो जाए तो ऐसा ना हो उसके लिए जिसको सिलेक्ट नहीं करना है ना उसको आप लॉक कर सकते हो यहाँ पे ऐसा करके तो फिर ना ये वाला सिलेक्ट ही नहीं होगा आप कितना भी दबाओ सिर्फ ऊपर वाला ये वाला जो है वही सिलेक्ट होगा आपके मनपसंद जगह पे इसको आ, प्लेस करने के बाद आप इसको लॉक कर दो बस हो गया अब आप चाहो तो अपना जो फेस कैम है उसको भी ऐड कर पाओगे यहाँ पे प्लस आइकन पे टैप करके सो सेम जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे आप प्लस पे जाने के बाद वीडियो कैप्चर या फिर जो वेब कैम है उस पर आप टैप कर दो टैप करने के बाद यहाँ पे ओके पे कर दो टैप टैप टैप, टैप। <laughs> फिर क्रिएट न्यू पे कर दो आप यहाँ पे अपना जो नाम है उसको सिलेक्ट कर सकते हो आपकी मर्जी तो ये रहे कुछ ऑप्शंस जिनको आप प्रीजम स्टूडियो पर ही चेंज कर सकते हो या फिर कस्टमाइज़ कर सकते हो और इसका ना एक चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया वो ये है कि यहाँ पे ना आप वर्चुअल बैकग्राउंड करके एक सेटिंग्स मिलेगा आपको यहाँ पे जैसे ही आप टैप करोगे देन आप पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको ना ऐसे करके रिमूव कर पाओगे <laughs> और उसके बाद पीछे आप कोई सा भी बैकग्राउंड चिपका सकते हो लाइक अभी लाइटिंग कंडीशन थोड़ा सा खराब है अगर आप अच्छा खासा लाइटिंग कंडीशन क्रिएट कर पाओगे तो फिर काफ़ी अच्छा लगेगा दिखने में देखो अभी मैं इधर हूँ और ऐसा करके मैं अभी चांद पे भी पहुंच गया फिर सब कुछ सेट होने के बाद आप यहाँ पे ओके पे कर दो टैप हो गया आप अपना जो फेस कैम है उसको कहीं पर भी पोजीशनिंग कर सकते हो और अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए कि आपको पूरा का पूरा ये जो वाइड वाला है उसको दिखाना नहीं है आपको थोड़ा सा क्रॉप करके दिखाना है देन ऑल्ट पे टैप करके ऐसा करके फिर कर्ज से पकड़ के इसको क्रॉप कर पाओगे क्रॉप करने के बाद आप इसको कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो जो कि एकदम से ऐसा लग रहा है ना कि स्ट्रीमिंग वगैरह चल रहा है एकदम से प्रोफेशनली <laughs> अभी ये तो लैपटॉप है ठीक है मान लो कि आपके पास एक पीसी है अच्छा कॉन्फ़िगरेशन के साथ बट आपके पास ना वेब कैम नहीं है <laughs> तो ऐसे में ना इस लाइव स्टूडियो पे आप अपने स्मार्टफोन के कैमरे से भी ना एक वेब कैम को बना पाओगे <laughs> तो इसके लिए आपको अपने फोन पर भी प्रीज लाइव स्टूडियो नामक जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेना इंस्टॉल करने के बाद साइन अप कर लो सेम जी जिमे अकाउंट से एक बार साइन इन हो जाने के बाद ना आप यहाँ पे कनेक्ट वाला जो ऑप्शन है उस पर टैप कर दो और इसको पीसी पे कनेक्ट करने के लिए वही प्रोसीजर सोर्सेस पे जाके प्लस पे जाओ देन प्रीजम मोबाइल पे करो टैप एंड ओके पे कर दो क्लिक उसके बाद यहाँ पे ओके okay पे फिर से कर दो देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक क्यूआर कोड आपको शो कर रहा है उसको ऐसे करके स्कैन कर लो फिर कनेक्ट पे कर दो टैप देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फुटेज है वो यहाँ पर भी एकदम से लाइव आपको दिखाई दे रहा है एज ए वेब आप इस वाले कैमरे को यूज कर पा रहे हो इवन आप अपने बैक कैमरे को भी ऐसे करके आ, सेट कर पाओगे एंड आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा क्रिस्प एंड क्लियर फुटेज आपको मिल रहा है एक अच्छे वाले कैमरे से आप एक वेब कैम का फुटेज जनरेट कर पा रहे हैं आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो कि दोनों में कितना डिफरेंस है मोबाइल वाले कैमरे का जो फुटेज है उसका आप क्वालिटी देख लो और लैपटॉप का जो इन बिल्ड वेब है उसका आप क्वालिटी कर सकते हो लेकिन ऑब्वियसली आपका एक अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा अगर आपको अच्छा खासा फुटेज जनरेट करना है और लेटिन से आपको कम चाहिए अभी एक आखिरी ट्रिक दिखाता हूँ की यहाँ पे ना आपको एक ऑडियो का ऑप्शन दिखने को मिल रहा होगा और जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ इसी का इन माइक पिक कर रहा है दैट्स आपको यहाँ पे साउंड बार शो कर रहा है सो अगर मान लो कि बाहर बहुत ज्यादा नॉइस आपको सुनाई दे रहा है जो कि आपके लाइव स्ट्रीमिंग पर दिक्कत

लाइव स्ट्रीमिंग का तैयारी तो उसके लिए आपको यहाँ पे माय चैनल करके जो ऑप्शन है उस पर टैप करना है टैप करने के बाद मतलब जो थ्री डॉट्स है उस पर टैप करना है जैसे आप टैप करोगे तो फिर एड चैनल्स करके एक ऑप्शन आपको शो करेगा उस पर टैप कर दो देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म शो कर रहे हैं तो अगर आपको YouTube पे स्ट्रीमिंग वगैरह करना है तो फिर आप यूट्यूब पे टैप कर दो टैप करने के बाद आपको अपने जिस चैनल चैनल पर स्ट्रीमिंग करना है तो उस चैनल को यहाँ पे लॉग इन, so, इन प्रोसीजर खत्म हो जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो चैनल का नाम है वो सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है ऑनलाइन है सब कुछ है देन आपको बस यहाँ पे गो लाइव पे कर देना टैप देन आपका जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो चालू हो जाएगा बट उससे पहले आपको यहाँ पे जाके इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है जो कि है लाइव इन्फॉर्मेशन जैसे आप यहाँ पर टैप करोगे देन ब्रॉडकास्टिंग पर टैप करके आप देख सकते हो कि ये न्यू है उसके बाद आप यहाँ पर अपना जो लाइव स्ट्रीमिंग का टाइटल है उसको आप सेट कर पाओगे देन आपको इसको प्राइवेट पर रखना है या फिर अनलिस्टेड या फिर पब्लिक ही पब्लिश कर देना है उसको आप यहाँ से सेट कर पाओगे उसके बाद कैटेगरी गेमिंग है गेमिंग आप कर सकते हो उसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप लिख दो उसके बाद स्ट्रीमिंग का जो लेटेंसी है अगर आपको कम चाहिए तो फिर आप यहाँ से सब कुछ सेट कर पाओगे और मेड फॉर किड्स आप यहाँ से ये सेट कर पाओगे और अगर आपको थर्मनल को सेट करना है तो फिर आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाकर एक स्ट्रीम जनरेट करो जनरेट करने के बाद वहां से आप कर पाओगे बहुत आसान है यह सबको पता है सो so इस प्रीजम लाइव स्टूडियो की वजह से ना ये जो गेमिंग का लाइव स्ट्रीमिंग है उसको करना बहुत ज्यादा सिंपल है और जैसे कि आप देख सकते हो कि काफी प्रोफेशनल है तो आप इसको ट्राई करके जरूर देख सकते हो और आप ना इस पे बहुत कुछ डिस्कवर भी कर पाओगे लाइक like, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है आप इनको एक एक करके चेकआउट कर सकते हो और आपका जो ये लाइव स्ट्रीमिंग का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा अभी में नहीं प्रोवाइड कर पाएगा क्योंकि आप यहाँ पे एड चैनल फेसबुक को भी एक ही साथ में सिलेक्ट करके एड करके आप एक ही स्ट्रीमिंग को दोनों जगह पे स्ट्रीम कर पाओगे एट अ सेम टाइम सो ये था पीज लाइव स्टूडियो का एक पीसी में कैसे करना है लाइव स्ट्रीमिंग उसका एक ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना एंड इसका जो मेन खास फीचर वो कि आपने वो स्मार्टफोन से जो किया ना वो लाइव स्ट्रीमिंग वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है लाइक like एक वेब का प्राइसिंग करीब दस हजार के आसपास भी पड़ता है अगर आपको एक अच्छा खासा कैमरा कैमरा चाहिए एज लेकिन आप अपना जो जो फोन काफी ज्यादा अच्छा है उसको आप एज अ वेब यूज कर पा रहे हो वो बहुत बड़ी बात है बाकी आपको पर्सनली कैसा लगा ये वाला सॉफ्टवेयर ये तो आपको यूज करने के बाद ही पता चलने वाला है सो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल रखा है जाके इसको यूज करो इंस्टॉल करके और बाकी लाइव स्ट्रीमिंग करके मजे करो बाकी को शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड अपने फैमिली के साथ जिनको लाइव स्ट्रीमिंग करना है हाँ जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें मिलते किसी वीडियो के साथ सो so, गुड बाय